में एक बार फिर आज हम देख रहे हैं गृह विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके हमेशा ही बनता है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर आज अपन देख रहे हैं प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी रोग। ठीक है, तो पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि प्रजनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य होता है, ये एक नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रजनन स्वास्थ्य से तात्पर्य ये होता है बेसिकली कि स्त्री और पुरुष के दोनों के जो प्रजनन अंग होते हैं वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। मानव संतति समाज की आधारशिला है, संतति को जन्म देना मानव का स्वाभाविक कर्म होता है, मातृत्व और पितृत्व की भावना से प्रेरित होकर मानव संतानोत्पत्ति करता है और संतानोत्पत्ति से वंश क्रम बना रहता है। एक पीढ़ी नष्ट होने पर उसका स्थान नई पीढ़ी ले लेती है। स्वस्थ प्रजनन से तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुष के दोनों के सभी प्रजनन अंग अपना कार्य नियमित रूप से करते हुए एक स्वस्थ बालक को जन्म दे सके। ठीक है, स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। दूसरे शब्दों में प्रजनन स्वास्थ्य का अभिप्राय होता है कि प्रजनन अंगों को किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोग व संक्रमण ना हो, स्त्री व पुरुष दोनों की ही मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ हो ताकि इस स्थिति तंत्र को संबंधित और क्रियाओं को संपन्न कर सके। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर आपके चैप्टर में दे रखा है स्त्री प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं, तो भारी प्रजनन अंग है ये लघु एवं बृहत् भगोश बार्तुलिन ग्रंथियां भक्षणी शिशिका व मूत्र छिद्र ये सब है। ठीक है, ये बोल रहा है स्त्री के आंतरिक में यौनिक छेद यौनि गर्भाशय डिंब ग्रंथियां अंडाशय। बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, वो भी मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि है ना क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि गर्भावस्था कितने समय की अवस्था होती है या फिर स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं, पुरुष के बाह्य प्रजनन अंग कौन से हैं, पुरुष के आंतरिक प्रजनन अंग कौन से हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। और डिंब ग्रंथियां गर्भाशय को अंडा से जोड़ने वाली नलिकाएं होती हैं। ठीक है, फिर ये बोलता है इनका एक सिरे गर्भाशय तथा दूसरा सिरे अंडाशय से जुड़ता है, गर्भाशय के दोनों ओर एक एक अंडाशय होता है, गर्भाशय के दोनों ओर एक एक अंडाशय होता है। इसका मुख्य कार्य अंडाणु का निर्माण अंडवाहिनी तक पहुंचता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य मासिक चक्र का होता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाते हैं, मासिक चक्र कितने समय की समावधि होती है, तो ये 28 डेज से 32 डेज के बीच में 28 से 32 दिन की होती है मासिक चक्र की समयावधि। ठीक है, और गर्भाशय में प्रत्येक एक माह में एक अंड परिपक्व होकर पहुंचता है, एक अंडक का शुक्राणु के साथ मेल गर्भ पर ठहरता है। ठीक है, बेसिकली आपको पता है गर्भाशय जो होता है उसमें जो शुक्राणु आते हैं, शुक्राणु वहां पर जो गर्भाशय होता है वहां पर गर्भधारण करने का काम करते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण और विकास होता है, यदि अंडक निषेचित न हो तो अगले मासिक चक्र में पहले शोषित हो जाता है। इसमें एक चित्र दे रखा है स्त्री भारे प्रजनन अंग का, इसमें गर्भाशय नली है, डिंबवाहिनी नलिका है, ठीक है, इम्पूला है, गर्भाशय की है, ठीक है, गोल संधि है, ग्रीवा का बाहरी ओएस अंडाशय तुम्बिका ये सब इसके अंदर दे रखा है। ये है स्त्री आंतरिक प्रजनन अंग। बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आई विल टेल यू। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन गए। पहला बन गया स्त्री प्रजनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन बन गया स्त्री के बाहरी प्रजनन अंग कौन से होते हैं, स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग कौन से होते हैं, मासिक चक्र किसे कहते हैं, मासिक चक्र कितने समय अवधि की अवधि होती है। बेसिकली यहाँ तक तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अपन यहाँ देखते हैं कि पुरुष प्रजनन अंग दे रखे हैं इसमें, ये भी आप ध्यान से याद कीजिए प्लीज। इसमें दे रखे हैं वृक्षण शुक्रवाहिका शुक्राशय पुरस्थ शिशन, नेम ही आएगा वन ईयर टू वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। बेसिकली वृक्षण के शुक्राणु का निर्माण होता है, वृक्षण में क्या काम होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, मूत्राशय के दोनों एक शुक्रवाहिका होती है, यह मूत्राशय मलाशय के नीचे भाग में मध्य में होकर के प्रोस्टेट ग्रंथि के निचले भाग तक जाती है, शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित दो थैलुन में रचनाएं होती है जिसमें गारा द्रव्य निकलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि
बड़ी व गोलाकार होती है। इसमें एक तरल द्रव्य स्त्रावित होता है। वृक्षण शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि से निकले स्त्राव वीर्य में शुक्राणु होते हैं। एक ही शुक्राणु डिंब या अंडक में प्रवेश करता है, उसी को निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निषेचन किसे कहते हैं? जो शुक्राणु या डिंब होता है ना, वो अंडक में प्रवेश करता है, इसी को निषेचन कहते हैं। जब अंडाणु शुक्राणु को विभेदित करता है, उसे निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन आगे चलते हैं। अब बच्चों यहीं से क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, तैयार है कि स्वस्थ प्रजनन को ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, या फिर एक स्वस्थ प्रजनन के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन मार्क्स लग के 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इसमें आता है बेसिकली। और ये देखिए, आप हमेशा हर चैप्टर में जो रेड रेड पॉइंट दे रखे हैं उनको हाईलाइट करके फिर आप उनके अंदर कंटेंट लिखेंगे। पहला है इसमें विवाह की आयु, सेकंड है अपना शारीरिक स्वच्छता, थर्ड है अपनी प्रजनन क्षमता, फोर्थ है अपनी मानसिक स्वास्थ्य, भैया मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए संतान उत्पन्न करने के लिए, फिर है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। ओके, तो अपन देखते हैं स्वस्थ प्रजनन के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु निम्नलिखित होते हैं। पहली चीज होती है विवाह की आयु। अपन सभी को पता है कि जो लड़कों की विवाह की आयु 21 होती है, लड़कियों की 18 होती है, क्योंकि इस समय पे उनके जो यौन संबंधी जो अंग होते हैं वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके होते हैं, इसलिए एज का ये डिवाइडेशन देते हैं। फिर ये आपको बोलता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि लड़कियां और जो लड़के होते हैं उनके शारीरिक अंगों की स्वच्छता बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, शारीरिक जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी। लड़कियों को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने आपको बताया मासिक चक्र जिसको महावारी भी बोलते हैं, उसमें भारी अंगों की सफाई रखनी चाहिए। संक्रमित अंग प्रजनन क्रियाओं में बाधक हो जाते हैं। अगर आप स्वच्छता नहीं रखते हैं या कोई आपको संक्रमण है तो संतान उत्पन्न करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रजनन क्षमता, स्त्री व पुरुष की गर्भधारण की प्रजनन क्षमता भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अगर आपकी गर्भधारण की क्षमता अच्छी होती है तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देना बहुत ही आसान हो जाता है, और नहीं होती है तो इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जांच लेनी चाहिए, और करवाते हैं लोग। और साथ में मानसिक रूप से तैयार नहीं होते तो भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में ही ये कमी पाई जाए, प्रजनन क्षमता पुरुषों में पाई जा सकती है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है मानसिक स्वास्थ्य, कि आपका मेंटल लेवल कैसा है, ये भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। गर्भधारण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। आजकल पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कामकाजी होती है, नौकरी करती है, इसकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनके बीच में प्रजनन संबंधी की कमी व स्थिरता आने लग जाती है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारी निभा पाना, तनाव होना, ये सब भी मानसिक स्वास्थ्य भी संतान उत्पन्न को प्रभावित करता है। तो अपने पहला पॉइंट देखा विवाह की आयु, सेकंड शारीरिक स्वास्थ्य, फिर अपना था प्रजनन क्षमता, फिर अपना मानसिक स्वास्थ्य, एंड है अपना संतुलित आहार, बैलेंस डाइट बहुत अधिक प्रभावित करती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पति व पत्नी दोनों को ही अपने आवश्यकता अनुसार बैलेंस डाइट का लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही हाई कंटेंट ऑफ कैलोरीज या फिर प्रोटीन वाली डाइट नहीं ले रहे हैं तो संतान उत्पन्न करने की में जो शिशु होता है वो कमजोर होता है, ये सब बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसलिए व्यक्ति को जो किशोरियां होती हैं एवं महिलाओं को सस्ते में उपलब्ध लोह लवण से भरपूर भोज्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज व दालें, अंडा, मांस, मछली, तिल आदि का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, साथ ही में आपको मुफ्त आहार भी दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को 100 गोली एक गोली प्रतिदिन व किशोर बालिका को गोली प्रति सप्ताह दी जाती है। लोह लवण व रक्तअल्पता के विषय में आहार एवं पोषण की इकाई में ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर 6 है अपना गर्भधारण का अंतराल। गर्भधारण के बीच उचित अंतराल प्रजनन स्वास्थ्य को इंगित करता है। 2 बालकों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतराल होना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने देखे जो प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य में ध्यान रखने योग्य बिंदु यह सभी होते हैं।